इस पार्ट में हम जानेंगे कि मेडिसिन के अलावा क्रॉनिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या निर्देश दे रहे हैं डॉक्टर हैनिमन। सबसे पहले उन्होंने बात की है डाइट और मोड ऑफ लिविंग की, लेकिन ये निर्देश देने से पहले डॉक्टर हैनिमन एक ध्यान देने योग्य बात कहते हैं कि ये सारे निर्देश जो मैं क्रॉनिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए देने जा रहा हूँ, ये सब जनरल रिमार्क्स हैं, लेकिन किस तरह के पेशेंट में और किस तरह की डिसीज़ में इनमें से कौन सा निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसका जजमेंट हर फिजिशियन को हर इंडिविजुअल केस में खुद करना होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसे भी वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर हैनिमन समझाते हैं कि क्रॉनिक डिसीजेस लंबे समय तक चलने वाली और ज़्यादातर ज़िद्दी अड़ियल स्वभाव की होती हैं, यानी जल्दी से आसानी से ठीक नहीं होती और समय के साथ बढ़ती भी रहती हैं। इनसे सफ़र करने वाले पेशेंट्स भी अक्सर मिडिल एज या ओल्ड एज के होते हैं, जिनका डाइट और रेजिमेन एकदम से स्ट्रिक्ट रूल बताकर पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। बेशक हमें उन चीज़ों से पेशेंट को बचा कर रखना है जो या तो पेशेंट की बीमारी को बढ़ाती हैं या क्योर के रास्ते में रुकावट बनती हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें इस बात का रियलाइजेशन हमेशा रहना चाहिए कि अल्टीमेटली पेशेंट की बीमारी को जो चीज़ क्योर करती है वो एक स्ट्रिक्ट होम्योपैथिक डाइट और रेजिमेन नहीं, बल्कि वो है करेक्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट। होम्योपैथी का विरोध करने वाले, होम्योपैथी को प्लेसिबो इफेक्ट बताने वाले अक्सर यही कहते पाए जाते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट दवाई के असर से नहीं बल्कि इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पेशेंट से स्ट्रिक्ट डाइट एंड रेजिमेन फॉलो करवाया जाता है। लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन में ये बात नहीं आती कि इस तरह की बातों में विश्वास करने वाले कई पेशेंट सालों साल एक स्ट्रिक्ट डाइट एंड रेजिमेन फॉलो करने के बाद भी अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि समय के साथ उनकी बीमारी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि यही क्रॉनिक डिसीजेस का नेचर होता है। रोबस्ट से रोबस्ट पर्सन भी कड़े से कड़े डाइट एंड रेजिमेन के रूल्स फॉलो करने के बाद भी बिना करेक्ट मेडिकेशन के क्रॉनिक डिसीजेस से छुटकारा नहीं पा सकता। क्रॉनिक डिसीजेस उनमें ग्रो करती रहती हैं, पेशेंट को डिटीरियोरेट करती रहती हैं और उसकी अंतिम सांस तक पीछा नहीं छोड़ती। हर क्रॉनिक मायाजमेटिक डिसीज का यही नेचर होता है। इन सब बातों को जानने के बाद अब आप समझ रहे होंगे कि एक फिजिशियन को सबसे पहले उस इंडिविजुअल पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस समझने होंगे। एक मजदूर यदि उसका शरीर आसानी से साथ देता है तो वो ट्रीटमेंट के दौरान भी मजदूरी कर सकता है, क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि वो अपना सारा काम छोड़कर लंबे समय के लिए घर पर बैठ जाए। ऐसे में यदि आप उसे लेबर न करने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे भी दें तो वो उसका ज़्यादा समय तक पालन नहीं कर पाएगा। केवल ऐसा कोई काम जो उसकी बीमारी को बढ़ा रहा है या उसके इलाज में रुकावट बन रहा है उसे करने से उसे रोकना सही है, क्योंकि उसी से उसे क्योर की तरफ लेकर जाने में मदद मिलेगी, ना कि अननेसेसरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाने से। और एक रैशनल फिजिशियन अपने इंटेलेक्ट के थ्रू ये समझ सकता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सा रूल ज़रूरी है और कौन सा नहीं। इसी तरह एक आर्टिस्ट, एक किसान, एक गृहिणी एक्सेट्रा, इन सबको जहाँ तक सहजता से ये कर सके इनका काम करने दिया जाना चाहिए। तो इस ज़रूरी निर्देश को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि किन निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है या जिन्हें फॉलो करने के लिए पेशेंट को एनकरेज किया जाना चाहिए। जो लोग फाइन वर्क करते हैं और अक्सर जिनका लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने का काम होता है, उन्हें खुली हवा में टहलने की सलाह देनी चाहिए। मन बहलाने के लिए हल्का फुल्का मनोरंजन कर सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक, लोगों से मिलना, हल्की फुल्की बातें करना, पर किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना, किसी कठिन सब्जेक्ट की स्टडी करना या ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला कोई खेल खेलना, थिएटर देखना, ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली लंबे समय तक ड्राइविंग करना, एडल्ट्रस एंड इमोरल इंटरकोर्स करना, इनडेलिकेट बुक्स या नॉवेल्स पढ़ना,
साथ ही अंधविश्वास या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या उत्साह वाली चीज़ें देखना या पढ़ना एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को भी ओपन एयर में एक्सरसाइज करने या यदि मौसम खराब हो तो घर में ही फिजिकल एक्सरसाइज करने की सलाह देनी चाहिए, लेकिन मेंटल एक्सर्शन करवाने वाली चीज़ों पर लिमिटेशन लगवाना चाहिए। खासकर यदि बीमारी मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है तो इन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। क्रॉनिक डिसीज से सफ़र कर रहे हर पेशेंट को ये खास तौर पर इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि ट्रीटमेंट के दौरान वो किसी भी तरह का घरेलू उपचार ना करे या बिना कंसल्टेशन के खुद से कोई मेडिसिन ना ले। परफ्यूम्स, सेंटेड वाटर या टूथपेस्ट भी निषिद्ध किया जाना चाहिए। स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वुलन क्लॉथिंग यानी ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी भी तरह के पुराने चले आ रहे हार्मफुल ट्रीटमेंट जैसे कपिंग, वेनेसेक्शन एक्सेट्रा को भी फर्दर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, भले ही पेशेंट कितना भी कहे कि वो उसकी हैबिट्स में शामिल हो चुका है। बात करें डाइट की तो क्रॉनिक डिसीज से सफ़र कर रहे व्यक्ति को अपने भोजन में कुछ सुधार, कुछ पाबंदियां लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाना इम्प्रैक्टिकल होगा। ये खासकर उन लोगों पर अननेसेसरी होगा जिनके काम में या डेली रूटीन में अच्छा खासा फिजिकल वर्क शामिल है। ऐसे लोग यदि अपने भोजन में थोड़ी मात्रा में नमक, आलू, चीज़ या खीर जैसी चीज़ें लेते हैं तो वो उनकी रिकवरी में रुकावट नहीं बनती। उन्हें केवल ज़रूरत है प्याज वाले मसालों और काली मिर्च जैसी चीज़ों से परहेज़ करने की। इन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना फिर भी आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पेशेंट से उसके फेवरेट बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ छुड़वाना। कॉफ़ी, हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये लोगों की डेली लाइफ में इस कदर शामिल हो गई है कि अब ये ज़रूरत न रहकर आदत बन गई है, और इसकी आदत छुड़वाना उतना ही कठिन हो चुका है जितना लोगों से अंधविश्वास छुड़वाना। 20 साल की उम्र तक या अधिक से अधिक 30 साल की उम्र तक के पेशेंट्स को तो फिर भी कॉफ़ी पूरी तरह से छुड़वाई जा सकती है बिना किसी खास साइड इफ़ेक्ट्स के, लेकिन 30-40 साल से अधिक उम्र के पेशेंट में एकदम से कॉफ़ी नहीं छुड़ाई जा सकती। तो ऐसे में उन्हें सुझाव देना चाहिए कि वो धीरे धीरे कॉफ़ी की मात्रा कम करते जाएं, हर बार पहले से कम क्वांटिटी में कॉफ़ी लें और इस तरह से इस आदत से छुटकारा पाएं, क्योंकि कॉफ़ी ट्रीटमेंट के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। इसलिए हर क्रॉनिक पेशेंट को इस हानिकारक पेय से छुटकारा तो पाना ही चाहिए। अब एक मज़ेदार बात सुनिए, कॉफ़ी से छुटकारा पाने के और भी उपाय हैं। कॉफ़ी को अवॉइड करना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके कैसे कैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर हैनिमन ने डिटेल में अपनी एक बुक में एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है विर्खुंगेन दिस कॉफी यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉफ़ी। लेकिन फ़िलहाल वो एक इंटरेस्टिंग तरीका बता रहे हैं कॉफ़ी से पीछा छुड़ाने का। राई के दानों को या गेहूं के दानों को कॉफ़ी की तरह रोस्ट किया जाए और फिर कॉफ़ी की तरह ही उबाल कर बनाया जाए तो इनका टेस्ट और स्मेल कॉफ़ी की तरह ही होता है और इसमें कैफीन भी नहीं होता। कई देशों में इन्हें कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में पिया जाता है और मार्केट में ये कैफीन फ्री अल्टरनेटिव्स ऑफ कॉफ़ी के नाम से प्रचलित भी हैं। तो जिन पेशेंट्स को अचानक कॉफ़ी छोड़ने में मुश्किल आ रही है वो इस सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो हानिकारक कैफीन से बच सके। और यहाँ बात सिर्फ कॉफ़ी की नहीं है, इसी तरह हर वो पेय पदार्थ जो नर्व्स के लिए स्टिमुलेंट का या नार्कोटिक्स का काम करता है अल्टीमेटली नर्व्स को वीक ही करता है, जैसे चाइनीज टी, वाइन, विस्की, ब्रांडी, बियर, इन सभी पर प्रतिबंध लगवाना होगा ग्रेजुअली बट सर्टेनली। क्रॉनिक पेशेंट के लिए विनेगर या सिट्रिक एसिड वाली डिशेस भी इंजूरियस होती हैं, खासकर उनके लिए जो नर्वस या एब्डोमिनल डिसीजेस से सफ़र कर रहे हों। विनेगर या सिट्रिक एसिड बहुत सी मेडिसिन के असर को भी या तो एंटीडोट या एक्सेसिवली इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिक फ्रूट्स भी
कम मात्रा में अलाउ किया जाना चाहिए। ये पेशेंट्स मीठे फल मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे पेशेंट्स अक्सर पैलेटिव्स के फॉर्म में बेक्ड प्रूनस यानी सूखा आलू बुखारा यूज़ करते हैं, जो कि अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। लो सेक्सुअल पावर वाले पेशेंट्स को यंग चिकन्स और एग्स अवॉइड करने चाहिए। साथ ही ट्रफल्स यानी मशरूम और कैवियर यानी मछली के अंडे भी। विमेन जिन्हें स्कैंटी मेंसेस होते हैं उन्हें केसर और दालचीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जिन पेशेंट्स का स्टमक वीक है उन्हें भी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अदरक और कड़वी चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब पैलिएटिव्स हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान हानिकारक होते हैं। एब्डोमिनल ट्रबल से सफ़र कर रहे पेशेंट्स को फ्लैचुलेंस रिड्यूस करने वाली वेजिटेबल्स या दूसरे फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर हैनिमन कहते हैं गेहूं की रोटी, गाय का दूध और संतुलित मात्रा में ताज़ा मक्खन ये स्वस्थ मनुष्य के लिए भी सबसे उत्तम और हानि रहित आहार है और क्रॉनिक पेशेंट के लिए भी। साथ ही नमक बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मांसाहार में बीफ, मटन, ग्रोन चिकन्स और फिश बॉइल करके लिया जा सकता है, लेकिन स्मोक्ड मीट, पिकल्ड मीट, पोर्क, ड्राइड फिश विथ सॉसेस एंड स्पाइसेस, सॉल्ट फिश ये सब नहीं लिया जाना चाहिए। क्रॉनिक पेशेंट्स में हेल्दी फूड भी संतुलित मात्रा में ही होना चाहिए, न किसी की कमी और न ही किसी की अधिकता। टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग की हैबिट को भी मॉडरेट किया जाना चाहिए, खासकर जब पेशेंट की मेंटल एक्टिविटी, स्लीप, डाइजेशन या बॉयल मोशंस डिफेक्टिव हैं। अक्सर पेशेंट्स अपने रूमेटिक ट्रबल्स, बंद नाक और आंखों के इन्फ्लेमेशन से रिलीफ पाने के लिए स्नफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पैलिएटिव्स होते हैं और क्योर के रास्ते में एक बड़ी रुकावट होते हैं। इस कारण इनका इस्तेमाल बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी डिक्रीज कर स्टॉप करवा दिया जाना चाहिए। बहुत सी मेडिसिन जो स्नफ के फॉर्म में मौजूद हैं, जो नेजल म्यूकोसा में जाकर वहाँ की नर्व्स को टच करते हैं, वो भी किसी दूसरी मेडिकेशन की तरह ही नर्व्स को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगानी चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए डाइट एंड रेजिमेंट यानी क्रॉनिक पेशेंट्स के खान पान और जीवनचर्या में किस तरह के सुधार लाना ज़रूरी है, ताकि रेमेडी बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रॉपरली अपना इफेक्ट दे सके और बीमारी बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द क्योर हो सके। साथ ही हमने जाना कि इन इंस्ट्रक्शंस को देते समय हमें हर इंडिविजुअल पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस का ध्यान रखना है और जिस तरह के बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका डाइट एंड रेजिमेन एडवाइस करना है। फिलॉसफी के दूसरे चैप्टर्स को समझने के लिए देखिए ये वीडियो।